भाजप खासदार साक्षी महाराज यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर काँग्रेस खासदार हुसेन दरवाई यांनी सडकून टीका केली आहे. तर नथुराम सारख्या अतिरेक्याचा गौरव केल्यानं भाजपची खरी प्रतिमा समोर येऊ लागल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. कायद्यानी ज्याला गुन्हेगार ठरवला अशा गुन्हेगाराचं उदात्तीकरण करण्याचं काम हे भाजपचं करत असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला ते काळीबा फासतातच आहे. पण ज्याच्यामुळे हा देश बदनाम झाला, ज्याच्यामुळे हा महाराष्ट्र बदनाम झाला, विचारांची लढाई विचारांनी लढली पाहिजे. विचारांना गोळ्या मारून कधी कोणी विचार संपवलेला नाही. असं असताना अशा प्रकारचं उदात्तीकरण करणं, अशा प्रकारे आता बीजेपीचा खरा चेहरा हळूहळू देशासमोर येतोय. राष्ट्रपिता के खून का इस तरह के समर्थन करना और जिन्होंने खून किया वो गोडसे की का शौर्य दिन ये मनाना ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मेरा कहना है. और सरकार ने इनको अंदर करनी चाहिए. सरकार इसके ऊपर चुप कैसी है? गांधी जी की हत्या को भी हम एक बहुत बड़ी घटना मानते हैं जिसने देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया था. और गांधी जी के हत्यारों को इस तरह से ग्लोरीफाई करना ये पूरी तरह से कंडेमनेबल है. हम इसका निषेध करते हैं. एक तरह से गांधी जी जो है वो दुनिया के लिए मायने रखते थे और उनके किलर्स को इस तरह से ग्लोरीफाई करना, इस तरह से उनका सेलिब्रेशन करना, ये मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी नेता के लिए ये शोभनीय नहीं है. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.